वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, अब मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। तो ये रहा मेरा बर्थडे ब्लॉग का पार्ट टू, और ये ब्लॉग है 29 जनवरी का, जो कि संडे था। और मैं निकल चुकी हूँ घर से, अभी मैं लिफ्ट में हूँ गाइज, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये रहा मेरा फुल लुक। तो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और जाते जाते अभी बज रहे दोपहर के 2, और ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और कहीं भी ना मुझे नॉनवेज का दुकान मतलब रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था, क्योंकि संडे में नॉनवेज खाती हूँ। अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट के बाहर, और आपको बताऊँ क्योंकि अभी मैं गुजरात क्रॉस कर रही हूँ, और आज संडे है, मैं हफ्ते में 2 दिन ही नॉनवेज खाती हूँ। आज संडे लेकिन हर जगह वेज फूड था, और मुझे आज संडे है तो नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो फाइनली एक जगह दिखा जहाँ पे नॉनवेज फूड है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, मैं क्या खा रही हूँ आप लोगों से पक्का शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है गांवटी स्टाइल में चिकन करी, और लुक ही देख के ऐसा लग रहा है कि बस कब खाऊं मैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बहुत देर तक मैं नॉनवेज रेस्टोरेंट ढूंढ रही थी। हम ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, थोड़ा ऐसा लोकेशन वैसा लोकेशन देखते हैं, लेकिन बताओ मिट्टी से जुड़ी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जब आप कहीं खाना खाने जाते हो और घर का जैसा बना खाना मिल जाए ना, कसम से मज़ा आ गया। और मैं चाहती हूँ कि इधर से अगर आप लोग जा रहे हैं प्रॉपर एड्रेस में भैया को इसके लिए, अच्छा ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जैसे हर छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे फैंस हैं वो चीज़ों को जैसे फॉलो करते हैं। तो अगर आप लोग इस रोड से जा रहे हो, वेज आई होप अच्छा होगा, मैंने तो नॉनवेज ट्राई किया है। और अगर आप लोगों को थोड़ी फंबल हो रही है, अगर आप लोगों को नॉनवेज खाना है तो एड्रेस एक बार प्रॉपर भैया आप बता दो। हाय नमस्ते, मैं भिवंडीकर ढाबे का चालक मालक, यहाँ का एड्रेस है NH 48 हालोली विलेज, मुंबई गुजरात हाईवे। क्योंकि हाईवे पे बहुत टाइम पे हमें भूख लगती है, और हम सोचते हैं एक ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे घर जैसा खाना मिले, तो ये पैसा वसूल है। और मैंने इनको बोला कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे एक तो ये लोग मुझे बहुत सिंपल लगे। हमारे बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो 100+% सैटिस्फाइड कस्टमर हैं, और ये ना अभी नया खुला है, तो मुझे लगता है कि ये लोग डिजर्व करते हैं कि इनके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। जैसे मैं खुश होके आप लोगों से ये बातें शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी हैप्पी हैप्पी यहाँ पे फूड एंजॉय करिए। जरूर आइए, जरूर। और वो कहाँ है जिन्होंने खाना बनाया है इतना अच्छा, वो ना शर्मा रही थी थोड़ा अदरक कूटते हुए, मैंने बोला भाई आप भी आइए क्योंकि आप डिजर्व करते हो कि आप आओ। इसमें इतना अच्छा टेस्टी खाना बनाया, एक तो शर्मा रही है। मौसी थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी खाना बनाया आपने। बस ऐसे ही खाना बनाते रहिए, ताकि जो भी आए ऐसे हमारे तरह उंगली चाट चाट के खाना खाए। थोड़ा इधर अंधेरा दिख रहा होगा गाइस, और एक जन है वो शर्मा रही है, तो इट्स ओके, वही मेन ओनर है, ओनर शर्मा रही है हमारी, क्योंकि हमारी बहुत ही देसी ओनर है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आइए, और सीरियसली मतलब फिर से कह रही हूँ बहुत अच्छा खाना था। चलिए अब हम भी जा रहे हैं एंजॉय करने, आप लोग भी अपना बिजनेस। अच्छा बाय। तो जो ऑनर थी वो तो कैमरे के सामने नहीं आई, उनको थोड़ी शर्म आ रही थी, पर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। मैंने बोला पक्का मैं ये वीडियो डालूंगी, कुछ भी एडिट नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो। एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि उन्होंने ना मुझे पहचाना, बट थोड़ी कंफ्यूज थी, तो मैंने बोला आप कौन से टीवी सीरियल देखे हो मेरे, मैंने अपने शोज के नाम बताए। जैसे ही मैंने बोला ये उन दिनों की बात है, उन्होंने बोला हाँ, मैंने बोला बेला चाची, बोले हाँ। लेकिन फिर भी वो सोच रही थी मेरी तरफ देख के, तो मैंने उनसे ये पूछा कि मैं बेला चाची नहीं लग रही हूँ अभी, कह रही नहीं चेहरा मिल रहा है, लेकिन आप तो उसमें माँ बनी थी और आप सामने से तो काफी यंग हो। तो मैंने कहा कि वो सीरियल है, और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। तो आप फैंस में से भी क्या मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आप लोगों को भी कभी ऐसा लगा है क्या कि अरे ये बेला चाची ये रियल लाइफ में ऐसी लगती है वैसी लगती है, क्योंकि ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज कमेंट्स में बताना। और अभी हम यहाँ से निकल पड़े, और कहाँ जा रहे हैं वो भी अभी तक सस्पेंस है, बताऊंगी क्योंकि आप लोगों से बताना ही है, बस कंटिन्यू बने रहिए। ओके, तो गाइस पार्ट टू में यही एंड करती हूँ, और हाँ प्रॉमिस पार्ट 3 शाम 6 बजे आप लोगों से शेयर कर दूंगी। बाय बाय।